रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेन के सहयोगी नेटो देश और रूस एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत कई काम कर रहे हैं। इनमें नए हथियारों की तैनाती करने से लेकर अपने सहयोगी देशों की मदद से दुश्मन देश से सटी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने तक तमाम काम किए जा रहे हैं। इस बीच बाल्टिक क्षेत्र में रूस अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर चिंतित है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा कि रूस को लिथुआनिया और फिनलैंड के साथ अपनी समुद्री सीमा को बदलने की योजना पर चिंता और अनिश्चितता के बीच बाल्टिक में टकराव पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को से बाल्टिक में रूस की सीमाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाल्टिक क्षेत्र में टकराव के कारण रूस को अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व में चल रहे तनाव से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए गहन बातचीत की जरूरत है, लेकिन पश्चिम यानी नेटो देश इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड जैसे कुछ देश जो नेटो में नहीं थे वो भी यूक्रेन पर रूस के हमले को देखते हुए हाल ही में नेटो गठबंधन में शामिल हो गए हैं। इसमें बाल्टिक क्षेत्रों को पहले जहां बाल्टिक सागर कहा जाता था उसे नेटो झील कहा जा रहा है। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड रूस के साथ ही ज्यादातर नेटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। अपना पलड़ा भारी रखने के लिए सभी देश एक दूसरे की रणनीतियों के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। कुछ समय पहले ही अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने चेतावनी दी थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नेटो देशों पर हमला कर सकते हैं। इससे तनाव और बढ़ गया और स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो में शामिल हो गए। अब वो रूस यूक्रेन युद्ध में उसी का साथ देंगे जिसका साथ अन्य नेटो देश दे रहे हैं। ये रूस के लिए एक बड़ा झटका भी है। रूस और फिनलैंड के बीच जल क्षेत्र तनाव का एक बड़ा केंद्र बिंदु है। इसमें जीपीएस जैमिंग के लिए रूस को दोषी ठहराया गया है। इस उभरते हुए संकट के बारे में फिनलैंड का आरोप है कि वो रूस द्वारा उकसाया गया था। इस बात को लेकर कहा गया था कि पुतिन नेटो सदस्य पर यानी फिनलैंड पर हमला कर सकते हैं। अपने एक बयान में लिथुआनियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस का मसौदा डिक्री इस बात का सबूत है कि रूस की आक्रामक और संशोधनवादी नीति पड़ोसी देशों और यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा है। कुछ समय पहले ही पुतिन के एक करीबी सहयोगी व्लादिमीर सोलोवियोव ने फिनलैंड की राजधानी को भी रूस का क्षेत्र बताया था और यह भी दावा किया था कि रूस उसे लेकर रहेगा। क्या सोलोवियोव ने यह बयान फिनलैंड पर दबाव बनाने के लिए पुतिन के इशारे पर दिया था या फिर इसके पीछे की रणनीति कुछ और थी, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह तय है कि रूस अपने पड़ोसियों को जितना धमकाएगा उतना ही वो सब एक होते जाएंगे। नहीं तो अभी कुछ समय पहले तक ही कई नेटो देश खुले तौर पर यूक्रेन की मदद से पीछे हटते जा रहे थे।